नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत इस एपिसोड में करती हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 जून को होने वाला है चंद्र ग्रहण। काफ़ी लोगों का ये मानना है या काफ़ी लोग अस्थिरता के साथ जूझ रहे हैं, काफ़ी व्हाट्सएप मैसेजेस फ्लोट हो रहे हैं कि ग्रहण में ये होगा वो होगा, परिस्थितियाँ ख़राब होंगी, चिंताएँ बढ़ेंगी, खर्चे बढ़ेंगे, सारी चीज़ों का हम आकलन करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ग्रहण को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये एक उपछाया ग्रहण है, यानी कि ये पूर्ण ग्रहण नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए। तो जब ये उपछाया ग्रहण है तो इसमें सूतक मान्य नहीं होगा, सूतक का प्रभाव नहीं रहेगा। जो 5 जून को होने वाला है उसका समय मैं आपको बता देती हूँ। रात में 11:16 के पास लगभग 11:16 से ये स्टार्ट होगा और 6 जून को रात 2:32 तक ये रहेगा, यानी कि रात में ही शुरू होगा और फिर ये 6 तारीख को 2 के आसपास तक चलेगा। इसमें होता क्या है कि चंद्रमा थोड़ा सा धूमिल हो जाता है या उसके ऊपर एक मलिन सी छाया आ जाती है और आप उसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो जब हम उसे देख नहीं सकते हैं तो उसका प्रभाव भी पूरा पूर्णता जो पूर्ण चंद्र ग्रहण का होता है वो हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेकर तो चलना बनता है। तो चलिए एक एक राशि में देख लेते हैं कि कैसे हम अपनी सिचुएशंस बेटरमेंट के दायरे में अपने ही कर्मों और अपनी मानसिकता के द्वारा ला सकते हैं। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन ग्रहण के दौरान, यानी कि 5 जून की रात से, यानी कि 6 तारीख की सुबह, सबसे पहले आपको अपना करेज कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रखना है, टेंशन में नहीं आना है, रेस्टलेस नहीं होना है, हेल्थ को कंट्रोल में रखते हुए फैमिली की तरफ से थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस मिल सकता है। तो अब क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है या उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है, यानी कि बातों को बढ़ाना नहीं है। पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है तो पिताजी का रेगुलर मेडिकल चेकअप कराना है या उन्हें एक परीक्षण के उसमें रखना है। दूसरा फायदा अब क्या होगा, अगर आपके कहीं से लंबे ड्यूज पेंडिंग होंगे वो रिलीज होंगे, फंड्स में कहीं ना कहीं एलोकेशन प्रॉपरली आप कर पाएंगे, डेट्स को आप पूरी तरह से बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आज के दिन आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज होने से पहले ही अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लेंगे तो ये सिचुएशन आपको खराब परेशानी नहीं देगी। आपको इस परिस्थिति से डर ज़्यादा लग सकता है, इनसिक्योरिटी ज़्यादा हो सकती है। हालांकि आपकी हेल्थ में तो इजाफा होगा ही साथ संतान पक्ष से आपको कहीं ना कहीं शुभ संकेत भी मिलेगा। आज के दिन अपनी इनसिक्योरिटीज और रेस्टलेसनेस को आपको स्वयं ही काबू में करना है, इसलिए आपको ऐसी परिस्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए सबसे पहले आज के दिन बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड लेकर चलना है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आज के दिन पॉजिटिव रहने की सख्त ज़रूरत है, फिनेंसेस में इम्प्रूवमेंट होता हुआ नज़र आएगा, ऑफिस में भी आपके लिए कोई ना कोई टास्क चैलेंजिंग बढ़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपकी व्यस्तता भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। हेल्थ एस्पेक्ट को यस, थोड़ा सा आपको लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है या अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, सोच समझ कर आगे बढ़ें, प्रोफेशनल जहाँ पर डिसीजंस लेने की बात कही जाती है। बात करते हैं अब कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल लगाना है। आप अपने परिवार के तरफ से कुछ ज़्यादा चिंतित रहेंगे, हेल्थ एस्पेक्ट को कंट्रोल करिए, बच्चों की तरफ से थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका पराक्रम या आपका लक जो है आपका साथ देगा, बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे, बिजनेस एक्सपेंशन की भी आप कहीं ना कहीं से कोई योजना बना सकते हैं या करियर प्लान में भी कुछ चेंजेस लाने के लिए आप आज व्यवस्थित ढंग से काम कर सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आप डिस्ट्रैक्टेड भी रहेंगे और इमोशनली वनरेबल भी रहेंगे। माता या माता तुल्य किसी सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति आज के दिन सचेत रहने की जरूरत है। व्यर्थ की बातों में समय ना गवाएं, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से अपने आप को दूर करें। लीगल केसेस में थोड़ी सी बाधा आती हुई दिखाई दे रही है,
तो अब क्या करना है, आपको सही समय पर लीगल एडवाइस लेनी है, या अगर आप पहले से ही किसी लीगल केस में फंसे हुए हैं तो अपने आपको वकील से बात करनी है कि वो अब अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करें। परिवार की तरफ से थोड़ी सी आपको टेंशन रह सकती है, लेकिन अगर स्वास्थ्य के प्रति मैं बात करूं तो लंबे समय से अगर परिवार में कोई बीमारी चल रही होगी तो वहां से राहत मिलती हुई नजर आती है। करियर प्लान में आप पुश्तैदी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, वहां पर आपको कहीं ना कहीं से कोई नया माइलस्टोन टच होता दिखाई देगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आपको अपने सिबलिंग्स से, अपने भाई बहन से स्ट्रेस मिल सकता है, आपको तनाव भी उन्हीं की तरफ से मिल सकता है और आपको उनकी चिंता भी सता सकती है। आपका कहीं ना कहीं धन फंस सकता है, अगर आप अपने ड्यूज कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वहाँ पर डिले हो सकता है। वाहन लेने का सोच रहे थे तो आज के दिन थोड़ा सा रुक जाइए, 4 से 5 दिन के बाद आप अपना डिसीजंस रिव्यू कर सकते हैं। वाणी पर कंट्रोल रखना है, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो या वो आपका परिवार हो। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, मन को प्रबल कठोरतम तरीके से कंट्रोल करना है, जहाँ पर वो इंडल्जेंस की तरफ जाता है, यानी कि मादक पदार्थों के अगर आपको मन करता है उसको यूज़ करने का, सिगरेट का, शराब का, तो वहाँ पर आपको अपने आप को रोकना है, चेक पॉइंट लगाना है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ मेडिकली आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की सख्त ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि लंबे समय से जो आपके परिवार में स्ट्रेस चल रहा था उसको भी अब समय आ गया कि आप कंट्रोल करें। एट द सेम टाइम आपको अपना झुकाव स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं लेकर जाना चाहिए। वाहन लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करिए। रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आज के दिन विराम लीजिए। इनसिक्योरिटीज़ आपकी अगर फाइनेंशियली डेवलप हो रही हैं तो सबसे पहले उस पर काम करिए कि कैसे आप सिचुएशंस को अपने पक्ष में ला सकते हैं। वाणी में अचानक से कटुता आ सकती है, कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं अपने परिवार वालों के साथ ही, वहाँ पर चेक पॉइंट लगाइए। तो आज के दिन धीरे धीरे एक एक टास्क को लेना है, स्ट्रेटेजाइज करते हुए चलना है, प्रायोरिटीज़ के मद्देनज़र चलते हुए कार्यक्षेत्र में अपना दिन निभाना है। परिवार में रेस्टलेसनेस का अगर माहौल आपके द्वारा क्रिएट हो रहा है तो तुरंत क्षमायाचना करनी है और बड़ों का आशीर्वाद लेना है, छोटों को प्यार देना है, संतुलित व्यवहार आज के दिन करने की ज़रूरत है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आपके बिजनेस या आर्थिक उन्नति से तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, प्रोफेशनल इनसिक्योरिटीज़ भी आपकी दूर होगी, लेकिन सोशल रिलेशनशिप आपका थोड़ा सा उसमें डिसबैलेंस आएगा, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सोशली इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। व्हीकल अगर आप ड्राइव करते हैं तो सोच समझ के ड्राइव करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ कहीं ना कहीं आपका रुझान दान धर्म की तरफ भी होता हुआ नज़र आएगा। कहीं ना कहीं व्यवस्थित और सुचारू ढंग से अगर आप चीज़ों को लेंगे, दिन को एक व्यवस्थित ढंग से स्टार्ट करेंगे तो प्रोफेशनली भी आप एक बैलेंस बना पाएंगे और मन भी आपका अशांत नहीं रहेगा। आप चाहें तो किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं, कुछ ऐसा चैरिटी का काम कर सकते हैं जो आपके मन को शांत करे। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आपका मान सम्मान बना रहेगा, आपका ये समय ओके रहेगा, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें जो कि पैसों से संबंधित है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, फैमिली बॉन्डिंग पे आज के दिन काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके परिवार से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, लेकिन आप ही के मन में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, यानी कि आप कभी एक चीज़ को करने की कोशिश करेंगे और फिर उससे डिटैच हो जाएंगे, तो ये बिहेवियरल पैटर्न का बैलेंस बनाने की सख्त ज़रूरत है आपको। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, जो लोग शिक्षा के फील्ड से संबंध रखते हैं, कोई अध्ययन कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पर इजाफा होते हुए देखेंगे। इसका सामान्य प्रभाव ग्रहण का आपके ऊपर पड़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आप अपनी सिचुएशन किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो व्यक्ति विशेष आपको जो राय मशवरा दे उसको रिव्यू करने के बाद आप अपने जीवन में लगा सकते हैं। बात कर सकते हैं फैमिली बॉन्डिंग की, आज के दिन मजबूत होते हुए आप देखेंगे, या फिर आपके परिवार में बुरे समय में आप अपने रिलेटिव्स के लिए, परिवार के लिए खड़े हुए अपने आप को पाएंगे। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए जॉब चेंज इंडिकेटेड है, लीगल प्रॉब्लम में डिलेज होता हुआ नजर आएगा। हाउएवर विक्ट्रीज तो आपके लिए दूर दराज एक कह सकते हैं, लंबा सफर ही है अगर आप लीगल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कुछ ना कुछ परिवर्तन कार्य क्षेत्र में आएगा, जल्दबाजी ना करें, रिलेशनशिप को बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड लेकर चलें, बहसबाजी से अपने आप को आज के दिन दूर रखें।
बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है आपके लिए भी, हेल्थ को मॉनिटर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बिजनेस से प्रॉफिट्स तो आएगा, फैमिली लाइफ में कंफ्यूजन को अवॉइड करते हुए चलना है। माता के हेल्थ के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। कुल मिला के अगर मैं देखूं तो 12 राशियों के लिए अगर आप सोच समझ कर चलेंगे, इंट्रोस्पेक्शन हर चीज़ को करेंगे, अगर कोई परेशानी आ रही है तो सोच समझ कर रिव्यू करके चलेंगे, तो चूंकि ये उपछाया ग्रहण है तो ये आपको इतना प्रभाव नहीं डालेगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।